हेलो बच्चों, आज हम सेकंड क्लास की नैतिक शिक्षा की वर्कशीट 1 करेंगे। इसमें हमें जानवरों से प्यार करना सिखाया गया है। बच्चों, हमें हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए। इसके लिए हमें एक पोयम भी दी गई है। कुत्ता, बिल्ली, भालू, बंदर, यार, सभी जानवरों से करो खूब प्यार। जीवन बिन इनके सूना होता, इनका भी जीवन पर है अधिकार। खूब रखो तुम इनका ध्यान, इनके अंदर भी होते हम जैसे प्राण। ये धरा तो हम सबकी माँ है, सभी जीव जंतु है प्रकृति की संतान। अब ना करना इन्हें जरा भी दुत्कार, करो इनको दिल से दुलार। हमेशा तुम इनके काम आओ, मिलकर हर जानवर से प्रेम बढ़ाओ। बच्चों, हमें सभी जानवरों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह ही होते हैं, हमारी तरह ही खाना खाते हैं, हमारी तरह ही इन्हें दर्द भी होता है जब चोट लगती है तो। और ये सारे जानवर हमारे बहुत काम भी आते हैं, जैसे गाय हमें दूध देती है, मुर्गी हमें अंडा देती है, जो भेड़ होती है वो हमें ऊन देती है, बकरी भी हमें दूध देती है, घोड़ा सवारी करने के काम आता है, गधा सामान ढोने के काम आता है। तो हमें सभी जानवरों से प्रेम करना चाहिए। बच्चों, अब हमें कविता को पढ़ने के बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खालिस्तान भरो। खालिस्तान में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो पूरे नहीं लिखे हुए, हमें उन्हें पूरा करके लिखना है। जैसे पहला शब्द है कुत्ता, जिसमें आधा त आ जाएगा। जानवरों, न आ जाएगा, जानवरों। हमेशा, हमेशा में ह आएगा पहले। भालू, भापे आकर डंडा आ जाएगा। बंदर ठीक से लिखा हुआ है। दुलार, लापे आकर डंडा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में आए जानवरों के नाम लिखो। तो कविता में जिन जानवरों के नाम आए हैं वो है कुत्ता, बिल्ली, भालू, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को किसने बनाया? तो जानवरों को प्रकृति ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सबकी माँ कौन है? इसका उत्तर है, हम सबकी माँ धरती है, धरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर है, हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, हमें जानवरों का ध्यान रखना चाहिए और इन्हें कभी भी मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि हमें कविता को मौखिक रूप से याद करना है, यानी इस कविता को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर जानवरों के नाम लिखो। हमें चित्रों को देखकर जानवरों के नाम लिखने हैं। पहला चित्र है उल्लू का। नेक्स्ट जो चित्र है वो है खरगोश का। अगला चित्र है कबूतर का। फिर अगला चित्र है शेर का। उसका अगला जो चित्र है वो है कंगारू का। कंगारू के पेट में थैली होती है जिसमें वो अपना बच्चा रखता है। देखो, आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। अगला जो चित्र है वो है चीते का। नेक्स्ट चित्र में हमें जिराफ दिखाया गया है। अगला चित्र तो आपको पता है, मोर का है। और अगला चित्र है हिरन का। अंत में हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें हमें रंग भरना है और इस चित्र को बनाना है अपनी कॉपी में। तो बच्चों, ये थी सेकंड क्लास की नैतिक शिक्षा की वर्कशीट 1। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए।